वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम इन्वेस्ट एनालिसिस करेंगे। तो इसमें मैं जो आपका बहुत डिफिकल्ट टाइप का इस बार क्वेश्चन आया था 2023 का, तो उसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि राव मतलब राव एक एकेडमी है उसका करके है पूरा एनालिसिस, मैं उस पेपर को करवाऊँगी। बहुत अच्छा है, तो पूरा मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करूँगी। आप इसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। और हाँ, प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप उसको समझेंगे तभी आप अगले सीढ़ी के लिए मतलब अगले 2024 के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं 2023 का यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेट ए का है। सेट ए है मतलब यूपीपीसी प्रीलिम 2023 GS1 पेपर का सेट ए है। तो ज्योग्राफी है, पहला क्वेश्चन था उसमें ज्योग्राफी का। तो क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम झेलम रिवर पास थ्रू वूलर लेक, एंड सेकेंड हिज कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक डायरेक्टली, और मीडरिंग आप गंडक रिवर फॉर्म्ड कानवार लेक। क्या ये सही? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो इसका आंसर है बी। तो कौन सा इसमें गलत है? गलत दूसरा वाला है। और क्यों गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कोलेरू लेक इज फेड डायरेक्टली बाई वाटर फ्रॉम द सीजनल बोडामेरू एंड तमिलेरू स्ट्रीम एंड लाइज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि कोलेरू लेक इज फेड डायरेक्टली बाई द वाटर फ्रॉम द सीजनल बोडामेरू एंड तमिलेरू। ओके, दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कोलेरू नहीं है, कोलेरू लेक इज फेड। ओके, एंड मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये जो है किशन गंगा रिवर वाज न्यूज बिकॉज ऑफ द इंडो पाक वाटर इशू। तो ये जो किशन गंगा जो न्यूज में था ये इसलिए था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो वाटर इश्यूज था इसलिए था। आल्सो लेक वेटलैंड आर इवर ग्रीन टॉपिक ऑफ यूपीएससी, आल्सो दे हैव अपियर्ड इन न्यूज आल्सो, एंड कानवर लेक वाज द रामसर साइट टू डिक्लेयर इन बिहार, दैट्स वाई इट्स आर। एंड सेकेंड प्राइमरी सोर्स आप इसका प्राइमरी सोर्स है एटलस है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेबसाइट द हिंदू के न्यूज़ से है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मॉडरेट था। और सेकेंड क्वेश्चन है जियोग्राफी का ही है, सेकेंड वाला भी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एंड है कमराजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज द कंपनी, एंड सेकेंड है मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, एंड विशाखापत्तनम जो है पोर्ट है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इसका भी आंसर बी है, दो पेयर मैच हैं। तो इसका जो कौन सा गलत है इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो सेकेंड वाला है वो गलत है, मतलब दूसरा ये वाला गलत है, क्योंकि ये बिगेस्ट जो है बिगेस्ट ऑन पोर्ट नहीं है, बिगेस्ट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज़ बिगेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट बाय द वैल्यूम, हैज़ गेंड अनदर डिस्टिंक्शन इन कंटेनर हैंडलिंग बाय ओवरटेकिंग द स्टेट रन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट टू बिकम द लीडर बाय हैंडलिंग 5.65 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइनेंशियल ईयर 2021, एंड पोस्टिंग द ग्रोथ ऑफ 18% ओवर द प्रीवियस ईयर। और ये मोर इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है। तो रीजन्स मोटिवेशन क्वेश्चन, तो GNPT एंड द मुद्रा पोर्ट वाज इन न्यूज़ था इसलिए वो पूछ लिया था। एंड इसका जो प्राइमरी सोर्स है इंडियन ज्योग्राफी है कुल्लर का, और फैक्चुअल है, मॉडरेट था ये क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ही, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज़, तो इसमें ट्रीज़ का है जैक फ्रूट आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस एंड महुआ मथुका इंडिका एंड टीक है टेक्टोनोग्रैंडिस, हाउ मेनी ऑफ द मतलब एबव आर डेसीडुअस ट्री, डेसीडुअस ट्री इसमें से कौन कौन से हैं ये पूछा है, ओनली वन ओनली टू ओनली मतलब आल थ्री एंड नन। तो इसका आंसर होगा ओनली टू, क्योंकि जो जैक फ्रूट है वो ईवर ग्रीन है, जैक फ्रूट इज ईवर ग्रीन ट्री हैंस इनकरेक्ट। ओके, महुआ एंड टीक आर डेसीडुअस ट्री। इसका जो मोर इन्फॉर्मेशन की बात करें, नेचुरल वेजिटेशन इज द स्टैटिक इंपॉर्टेंट टॉनिक इंडियन ज्योग्राफी, इसका सोर्स है NCERT, कॉन्सेप्चुअल है, इजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, ज्योग्राफी का है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया देन चाइना,
एंड दूसरा है द प्रोपोर्शन ऑफ द इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना. द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैन दैट इन चाइना. हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसमें भी दो स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है, बिकॉज जो है वो चाइना है ना कि इंडिया है. तो अकॉर्डिंग टू द एबव आर्टिकल इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया 48% वाइल द चाइना इज प्रोपोर्शनल ऑफ इरीगेटेड एरिया 41% एंड इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना. तो ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन चाइना इज ऑलमोस्ट 50-100% मोर देन दैट इंडिया. एंड और जो इंडियाज एरिया लैंड जो है एरिया 156 मिलियन हेक्टेयर है, वाइल चाइना एरेबल लैंड एरिया 119 मिलियन हेक्टेयर है, मतलब 119 से 156 है. तो जो इसका है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है आपका, तो इसका जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है, सॉरी मिसअंडरस्टैंड. हाँ, ये तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें चाइना का ज़्यादा है और इंडिया का कम है, क्योंकि चाइना का 50-100% है. यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन चाइना इज ऑलमोस्ट 50-100% मोर देन दैट ऑफ इंडिया. सॉरी. तो ये न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली देयर हैज़ बीन कंपैरिजन बिटवीन चाइना एग्रीकल्चर मॉडल एंड इंडियन एग्रीकल्चर मॉडल का कंपैरिजन था इसलिए. और इसका जो था फैक्चुअल था और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जियोग्राफी का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड. तो इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड. इसका आंसर होगा डी. डी आंसर है इसका द रनवाजे ए ऑन से सैलो पार्ट ऑफ द अरेबियन सी अंटी द जियोग्राफिकल सीट क्लोज ऑफ द कनेक्शन विद सी द रीजन बिकम ए सीजनल मार्सी साल्ट डिजर्ट ओवर द ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रीजन फील्स अप विद वाटर एंड फॉर्म्स ऑफ ए वाइट लैंड इन द समर द वाटर ड्राइज टू क्रिएट ए बेड ऑफ वाइट साल्टी लैंड द ग्रेट रन इज बाउल सेप्ड डिप्रेशन इट्स ईस्टर्न इज मर्जिंग इन टू द ड्रेनेज एरिया ऑफ द लोनी रिवर. मोर इन्फॉर्मेशन स्टैटिक क्वेश्चन था और ब्रिटानिका इसका सोर था और कॉन्सेप्चुअल था, मॉडरेट था. नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन जियोग्राफी का ही है. क्या है इल्मिनाइट एंड रिटाइल अबिडेंटली अवेलेबल टू सर्टेन कोस्टल ट्रैक ऑफ इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें किसका है, तो ये है टाइटेनियम. इंडिया इज इंडोवर्ड विद लार्ज रिसोर्स हैवी मिनरल विच अकर मेनली अलॉन्ग विज कोस्टल स्ट्रेचेज एंड द कंट्री एंड आल्सो इन द इनलैंड प्लेसेस. हैवी मिनरल स्टैंड कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ 7 मिनरल्स इल्मिनाइट ल्यूकोजेन एंड रुटाइल एंड जिरकॉन एंड सिमिलनाइट वगैरह. And more information, India is promoting aircraft manufacturing in which titanium is required. And India Bureau of Mines is the primary source of factual sa difficult question tha ye bhi. And next 7 number ka question hai. Ek minute. And next question hai 7. About 3/4 of world cobalt is metal required for the manufacturing of batteries for electric motor vehicles produced by किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है कोबाल्ट. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ऑप्शन सी. चलिए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. इंडोनेशिया हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कोबाल्ट कंट्रीब्यूटिंग टू शार्प फॉल इन द प्राइस ऑफ द बैटरी मेटल एंड एडिंग टू वेस्टर्न एंजाइटीज अबाउट द बीजिंग डोमिनेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कार सप्लाई चेन. द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जनरेटेड 9,500 टन्स ऑफ कोबाल्ट लास्ट ईयर 5% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई अप फ्रॉम द मिनिमल वैल्यू बिफोर 2021. एंड मोर इंफॉर्मेशन कोबाल्ट इज द क्रिटिकल रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैटरीज विच इसेंशियल फॉर द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन. फैक्चुअल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था.
नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर 8 है, ये भी जियोग्राफी का। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन का कौन सा पार्ट है? कैमरून एंड नाइजेरिया एंड साउथ सूडान एंड उगांडा। इसका आंसर होगा कैमरून, क्योंकि द कांगो बेसिन स्पैंस अक्रॉस द कंट्रीज कैमरून्स एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो एंड रिपब्लिक ऑफ द कांगो एंड इक्वेटोरियल गिनी गिनी एंड गैबोन। मोर इन्फॉर्मेशन, कांगो बेसिन वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल इकोसिस्टम डिक्लेयर्ड बाई द UNEP। इट इज़ द बींग ग्रीटी इफेक्ट बाई द डिफॉरेस्टेशन, दैट्स वाई इन न्यूज। तो आपको समझना चाहिए कि न्यूज में जो भी चीज़ रहे कितना उसको ध्यान में रखना है, उसके बेसिन का, उसके रिवर का, उसका फ्लो क्या है, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, जियोग्राफी का ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर द कन्फ्लुएंस्ड बाई विंध्यान सह्याद्री रेंज। एंड दूसरा है बिली गिरिरंजन हिल्स कंस्टिट्यूटेड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज एंड सेसा चेलम हिल्स कंस्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर गिवन आर करेक्ट? तो इसका नन, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि अमरकंटक ही मैकाल रेंज से है। अमरकंटक कहाँ से? मैकाल रेंज से, विंध्यान रेंज से नहीं है। और अनाई मलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स आर द साउदर्न मोस्ट पार्ट, नॉर्थ की यहाँ पर ईस्टर्न का दिया है तो ये गलत है। सेसा चेलम हिल्स आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट ना कि साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर इन्फॉर्मेशन, रेड सैंडर्स इन न्यूज आर फाउंड इन द सेसा चेलम एरिया आल्सो बिली गिरिरंजन हिल्स वेयर आल्सो इन न्यूज। तो ये सब न्यूज में थे इसलिए क्वेश्चन आया, एटलस से आप कर सकते हैं, कॉन्सेंचुअल है, मॉडरेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी जियोग्राफी का है। विद रेफरेंस टू द इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन द कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कनेक्टिविटीज था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट दिब्रूगढ़ एंड सूरत। दूसरा है ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट द मोरवी इन मणिपुर एंड चियांग मई इन थाईलैंड वाया म्यांमार एंड बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें भी कोई सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत है, क्योंकि TLH जो है आपका ये फ्रॉम द मोरेयु तमू एंड केलेवा मोनिया एंड मंडलया एंड नेपाई ताओ एंड बायगो मेवदी मोई सोहेट इसका है। और बेसिन कॉरिडोर कनेक्ट कोलकाता एंड कुनिंग एंड वाराणसी है, तो दैट्स वाई वो भी गलत है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट विद पोरबंदर एंड सिलचेर, तो ये भी गलत है। तो तीनों तीनों ऑप्शन गलत है। मोर इन्फॉर्मेशन, इंडिया हैज़ पुश्ड द अर्ली कंप्लीशन ऑफ द ट्राइलेटरल हाईवे, तो उससे था। और इंडो एशियन डॉक्यूमेंट था, ट्राइलेटरल हाईवे से था, और फैक्चुअल था, मॉडरेट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन था साइंस से, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो गए हैं, फिर साइंस का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। स्टेटमेंट टू है, यूरेनियम इन रिच टू एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एबव स्टेटमेंट्स? ए है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसका जो होगा ये बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज यूरेनियम इन रिच इन द एक्सटेंट ऑफ लिस्ट 60% रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज दिस नॉट। नेचुरल यूरेनियम कंटेन 0.7% ऑफ द फिशियल यूरेनियम 235 एंड 99.3% नॉन फॉसिल यू 238 दिस रिक्वायर्स इन रिच टू लेवल ऑफ द एट लीस्ट 3% इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ओनली 3% एंड एट लीस्ट 80% इन केस ऑफ द बॉम्ब्स दैट्स दस द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके एंड मोर इन्फॉर्मेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिसाइल मटेरियल एंड चेन रिएक्शन एंड एनरिचमेंट प्रीलिम्स कैंपस 2023 पेज नंबर 108 इसका सोर्स है और कॉन्सेप्चुअल है, इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इन्वायरमेंट का है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? मार्सुपियाल्स आर नॉट नेचुरल फाउंड इन इंडिया।
स्टेटमेंट टू है, मार्सोवियल व्हील फियाल्स जो भी है कैन थ्रीव्स ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, क्योंकि मार्सोपियाल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सोपियाल आर एनी मेंबर ऑफ द मैमेलियन इंफ्रा क्लास मार्सोपीलिया। आल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू मोस्ट ऑफ दीज स्पीसीज टू दैट यंग आर कैरीड इन द पाउच। लिविंग मार्सोपियाल्स इंक्लूड ओपोसम्स एंड तस्मानिया एंड देविल्स कंगारूज कोलास एंड वेम्बैट्स एंड वेलेबीज एंड बंडिकूट्स एमंग अदर। वाइल मेनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज सच एज थाइलासीन आर आल्सो नोन एज। सेकेंड इज रॉन्ग बिकॉज मोस्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियाल्स लिव इन ड्राई स्क्रब एंड डिजर्ट हैबिटेट इन साउथ अमेरिका। मार्सोपियाल लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मार्सोपियाल कैन लिव एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैबिटेट of the tree to forest floor where like the wombat they burrow underground. करेक्ट आंसर करंट अफेयर का न्यूज़ था, न्यूज़ ऑफ इलीगल स्मगलिंग ऑफ द कंगारूज इन इंडिया एंड विकीपीडिया एनिमल डाइवर्सिटी वेब से प्राइमरी सोर्स है सैन जियो जू वाइल्ड लाइफ अलायंस। एंड करंट अफेयर का मॉडरेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 है इन्वायरमेंट का। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप द ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटा बेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका था द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। द ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटा बेस इज मैनेज्ड बाई द इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ द IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। इट वॉज डेवलप बिटवीन द 1998 एंड 2000 एज द पार्ट ऑफ द ग्लोबल इनिशियटिव ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज लेड बाई द इस्टवाइल ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज प्रोग्राम। मोर इन्फॉर्मेशन आर्टिकल इन इन्वेसिव स्पीसीज। और ये द हिंदू इसका सोर्स था, IUCN की प्राइमरी सोर्स भी जा सकते हैं आप। करंट अफेयर का था, मॉडरेट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 ए बी इन्वायरमेंट का। कंसिडर द फॉलोइंग फौना। लायन टेल्ड मैके एंड मालाबार सीवेट एंड सांबर डियर। हाउ मेनी अबव आर द जनरली नक्टर्नल फार मोर मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। इसके पास सनसेट पे कौन ज़्यादा एक्टिव है, तो तीनों के तीनों। तो लायन टेल्ड मैकॉक, द लायन टेल्ड मैकॉक इज द ओल्ड वर्ल्ड मंकी इंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया एंड एज आर्बोरियल एंड diurnal creatures they sleep at night in tree and the malabar large spotted civet also known as the malabar civet is the weird endemic on the western ghat of india is listed as the critically endangered and IUCN red list and population the malabar civet is considered nocturnal and sambar is also to iska jo tha important fauna aur prelims compared 2023 a conceptual tha difficult question tha। और ये इन्वायरमेंट का 15 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बैंगल डांस अदर दियर केमी इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ दियर फूड। बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज हनी बीज एंड वैम्प्स। तो जो है ये जो बैंगल डांस जो करती है वो करती है हनी बीज। बैंगल डांस इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाई विच बीज टेल दियर नेस्ट मेट्स वेयर टू गो गेट द बेस्ट सोर्स फॉर फूड ब्रिंग। मतलब वो डांस करती हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए कि वहाँ चलो वहाँ अच्छे फूड मिलेंगे भाई। मोर इन्फॉर्मेशन आर्टिकल ऑन द बैंगल डांस द हिंदू इसका करंट अफेयर अ मॉडरेट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 इन्वायरमेंट का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें है सम्स मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज एंड तीसरा है सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। तो सबके सब स्टेटमेंट सही हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। सम मशरूम लाइक द फॉर्म्स, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मशरूम हैव बीन इन न्यूज़ में था, NCERT एंड कंपास से आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल था, मॉडरेट था। और एनवायरनमेंट था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इंडियन स्क्वायरल्स। दे बिल्ट नेस्ट बाय मेकिंग द बारो इन ग्राउंड
एंड दे स्टोर दियर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड, दे आर ओमनीवोर्स। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो स्क्वायरल्स के लिए, गिलहरी के लिए था। तो इसमें जो ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज क्या होता है, द इंडियन स्क्वायरल इज नेटिव इन द वार्म हमीड एंड एरिया ऑफ साउदर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट नेस्ट एट द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री पे नेस्ट बनाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अर्बोरियल। द नेस्ट ऑफ द स्क्वायरल इज कार्ड ड्रे एंड वोवन फ्रॉम ग्रास, मोस्ट इंडियन स्क्वायरल आर अर्बोरियल। बाकी सब सही है। स्क्वायरल इज ओमनीवोरस, दे फीड मेनली ऑन नट्स एंड फ्रूट बट विल आल्सो ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मोर इन्फॉर्मेशन, जनरल अवेयरनेस एंड एनिमलियो बायो एंड कंस्टिट्यूशन मॉडरेट था। 80 नंबर का एबी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड सेकेंड, द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड तीसरा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन ए हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद पीएच बिलो 3। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। तो चलिए, ए हाइपरथर्मोफाइल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्रिव्स इन द एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट फ्रॉम द 60 degrees अपवर्ड। एंड ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइपोथर्मोफाइल्स इज ऑप्टेन अबव 80 degrees centigrade। हाइपरथर्मोफाइल्स आर ऑप्टेन विद इन द डोमेन आर्किया। ऑल्सो सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर। एंड स्टेटमेंट टू इज द टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द फ्रीजिंग वाटर। मेनी माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटीफ्रीज प्रोटीन, दे दीज मॉलिक्यूल्स बाइंड टू माइक्रो आइस एंड क्रिस्टल प्रोटीन वगैरह। मोर इन्फॉर्मेशन, ये द हिंदू का ही है, कॉन्सेप्चुअल था और ईजी था। और इन्वायरमेंट ईजी क्या मतलब, उसके हिसाब से आपके हिसाब से होना हो, ये डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 19 है एनवायरनमेंट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल्स विद ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। तो इसका आंसर होगा ऑर्नागुटन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑर्नागुटन ग्रेट एप्स होते हैं, मेक ए टूल्स विद स्टिक टू स्क्रैप द इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन ट्री एंड अचीव ए गोल सच एज द एक्वायरिंग फूड एंड वाटर एंड ग्रूमिंग, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन इन क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन, दैट्स वाई। ओके, तो अगला है, इसका भी द हिंदू सोर्स था, करंट अफेयर का न्यूज़ था, मॉडरेट था। इन्वायरमेंट मैक्सिमम करंट अफेयर से ही आते हैं, तो आपको अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग भाई करना ही करना पड़ेगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला हाँ क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग एरोसोल एंड फॉर्म एजेंट एंड फायर रिटार्डेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। हाउ इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड? तो ओनली थ्री सही है, बिकॉज जो एच मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन डोंट पॉसेस लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बाकी सब सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर ग्रम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिकल प्राइमरी यूज ऑफ द कूलिंग एंड इन फ्रीजिंग एंड वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ये भी जो है कॉन्सेप्चुअल था, डिफ़िकल्ट था थोड़ा, और कंपास विकिपीडिया। और क्वेश्चन नंबर 21 है इंडियन इकोनॉमी का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दियर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिवाइडेड इज टैक्सेबल। स्टेटमेंट टू, इन्वेस्टर्स आर रिकॉग्नाइज एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। विच वन ऑफ द करेक्ट रिस्पेक्ट अबव स्टेटमेंट्स, कौन सा करेक्ट है? तो स्टेटमेंट पहला जो इनकरेक्ट है, दूसरा सही है। यहाँ पर दिया है रीजन, जो सोफा इनकम अर्न बाई यूनिट होल्डर आर इंटरेस्ट डिवाइडेड एंड द रिटर्नल इनकम वाज टैक्सड व्हाइल द रिमेनिंग ऑफ द कैपिटल वाज नॉट टैक्सड। एंड हाउएवर इन द फाइनेंस एक्ट 2023 प्रपोज इन द इम्पोज टैक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आंसर दिया है। ये था फाइनेंस एक्ट 2021 का, और अमेंडेड टू ब्रिंग द पूल्ड इन्वेस्ट एंड व्हीकल सच एज वगैरह, देख सकते हैं क्या प्राइमरी सोर्स है। डिफिकल्ट क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन, इन द पोस्ट पैंडमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड कोविड-19 मतलब विश्व मतलब महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट एंड राइजिंग द कंज्यूमर प्राइजेज वाय मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। तो एक दूसरा है, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये जो है ये इसका करंट अफेयर का न्यूज है, बेसिक है, ईजी है कि करंट अफेयर प्लस बेसिक है। 23 है इन्वायरमेंट का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। तो इसका भी पहला ही होगा, क्योंकि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, दैट्स वाई कार्बन मेक्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ये भी जो था ये भी करंट अफेयर प्लस कॉन्सेप्चुअल मॉडरेट क्वेश्चन था। अगला है इंडियन इकोनॉमी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ द स्टेबलाइजेशन। तो इसका पहला है, कंडक्टिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड ओवरसाइट ऑफ द सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम एंड डेब्ट एंड द कैश मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका है, जैसे कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की कि मतलब किस गतिविधि के कारण स्टेबलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो खुला बाजार कार्रवाई का संचालन पहला सही है, कंडक्टिंग ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। द आरबीआई कैरीज आउट स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन सच एज द ओपन मार्केट ऑपरेशन टू कंट्रोल द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एज ओएमएस आरबीआई कैन परफॉर्म टू एक्शन, जैसे बाई जी सेक टू इंजेक्ट मनी ड्यूरिंग द स्लो डाउन एंड सेल, बाई करना और सेल करना, जी सेक्स टू सर्क द एक्सेस मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। मोर इन्फॉर्मेशन, आर बी आई कैरेज द ओपन मार्केट ऑपरेशन टू इंजेक्ट मनी इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द स्लो डाउन ऑफ द कार्स ड्यू टू द कोविड-19। फाउंडेशन क्लास, कंपास, सेलिविजन क्लास एंड बेसिक है, ईजी क्वेश्चन था। और 25 का है इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव इंक्लूड कैपिटल मार्केट, इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट में इंक्लूड होता है? तो इसका आंसर होगा ओनली टू, बिकॉज जो आपका स्टेटमेंट है जैसे कि हाँ, द फाइनेंशियल कंट्री कंप्राइज द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इंक्लूडिंग राइजिंग ऑफ द टर्म कैपिटल लेस देन वन ईयर थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड कमर्शियल पेपर एंड कॉल नोटिस एंड टर्म मनी एंड ट्राई पार्टी रिस्पॉन्स ईटीसी। द इंफ्रास्ट्रक्चर आर ट्रेडेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑथराइज बाई द आरबीआई। वन अदर हैंड, कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग राइजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल थ्रो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द शेयर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड दिस ट्रेडेड एट द स्टॉक मार्केट सच एज द NSE एंथराइज बाई SEBI। तो ये जो है आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट नहीं होगा और बाकी सब होगा, ठीक है? दो ठो है, दो ठो नहीं है, ठीक है? स्टॉक मार्केट नहीं होगा और मनी मार्केट बाकी सब, और SEBI करता है ना कैपिटल मार्केट को कंट्रोल, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड भी आता है आपका। तो पहला नहीं होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड का नहीं होगा और मतलब स्टॉक मार्केट का नहीं होगा और ट्रेजरी बिल कॉल में नहीं होगा और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट भी नहीं होगा, मनी मार्केट का, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है, ये टेस्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट फाउंडेशन क्लास बेसिक है, मॉडरेट क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल इनफार्मर लार्ज फील्ड। तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड की बात की जा रही है तो इसमें क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फील्ड।
आप लार्ज नंबर ऑफ द पीपल अपरूटेड फ्रॉम दियर कंट्रीज ड्यू टू वार बाई द गिविंग देम ए लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट द कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस। एंड सेकेंड इसका इसमें पूछा है ना, तो सेकेंड वाला होगा क्योंकि मेनी मार्जिनल फार्मिंग एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्ट द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस दैट वाई एक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फील्ड इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ द मार्जिनल फार्मर बीच फ्रेगमेंटेड एंड लैंड होल्डिंग शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप सो दे कैन रीप बेनिफिट्स फ्रॉम द हायर इकोनॉमिक ऑफ द स्केल। तो इसका जो था गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बीच बेस्ड ऑन द स्मॉल फार्म एंड लार्ज फील्ड का सोर्स था, कंसेप्चुअल था, मॉडरेट था। 27 इंडियन इकोनॉमी का था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द नाइजर। तो ये गैजोटिया ओबिसिनिया सीड्स नाइजर बात हो रही है। नाइजर कल्टिवेटेड ऑन द खरीफ क्रॉप। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड यूज फॉर द कुकिंग। तो हाउ मेनी ऑफ द नेबर स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली थ्री, मतलब ऑल थ्री करेक्ट। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द MSP ऑफ 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग द ऑयल सीड सच एज द नाइजर सीड, हेंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। नाइजर सीड इज कल्टिवेटेड इन द खरीफ क्रॉप, हेंस स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। एंड द ट्राइबल पॉपुलेशन आर नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, हेंस थ्री स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड मोर इन्फॉर्मेशन इवन थ्रो नाइजर सीड कमांड वन ऑफ द हाइएस्ट MSP अमंग द खरीफ क्रॉप्स एंड द एरिया अंडर द नाइजर सीड कल्टिवेशन हैज श्रंक बाई द ऑलमोस्ट 80% सिंस 1980। डाउन टू अर्थ का है, बेसिक करंट अफेयर डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 28 का क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट ब्रांड रिकॉग्निशन एंड इन्वेंटरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द कंसिडर द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? तो ओनली थ्री आर करेक्ट बिकॉज देख लेते हैं। कंपेन मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस टेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट। सम ऑफ द टेंजिबल एसेट इंक्लूड द इक्विपमेंट बिल्डिंग इन्वेंटरी etc। वन अदर हैंड द इंटेंजिबल एसेट इंक्लूड ब्रांड रिकॉग्निशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कस्टमर लिस्टेड etc। द कंपनीज मेक द इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटिंग लीडिंग द ब्रांड रिकॉग्निशन। दिस कैन इनेबल द मेक अ प्रॉफिट एंड इन्वेंटरी कंपेरिजन ऑफ गुड विच इट टू सोल्ड एंड हेंस बिकम द टेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज द पेटेंट्स कॉपीराइट etc. मे नॉट हैव फिजिकल सबस्टेंस बट ब्रिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू टू कंपनी, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज द इंटेलेक्चुअल एसेट। मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इनेबल टू कंपनीज टू कैपिटलाइज ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड बेटर मार्केट दियर प्रोडक्ट, हेंस इट कैन बी कंसिडर एज द इंटेंजिबल एसेट। दैट्स वाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स एंड ब्रांड रिकॉग्निशन इन्वेंटरी बाकी सब सही है। ठीक है, चौथा नहीं होगा उसमें। एंड अगला क्वेश्चन है मोर इन्फॉर्मेशन रैंडम स्टैटिक है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट है, बेसिक है, मॉडरेट है। और 29 क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का, कंसीडर द फॉलोइंग डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म एंड स्टेबल गवर्नमेंट एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन एंड द 15th फाइनेंशियल कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द एबव आर क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। इसमें ओनली थ्री स्टेटमेंट का सही है क्योंकि 5th फाइनेंस कमीशन हैज़ यूज्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहला सही है और फॉरेस्ट इकोलॉजी दूसरा भी है और टैक्स रिफॉर्ट भी है। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो तीसरा तीन सही है। मोर इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेशन 5th फाइनेंस कमीशन एंड करंट अफेयर का इजी क्वेश्चन था। एंड अगला है 30 इंडियन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन ऑन हाउ मेनी ऑफ द एबव डज यूनो ऑफ पीस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट। कौन सा सही है? तो ओनली थ्री इसमें भी सही है। ओनली थ्री में रिन्यूएबल एनर्जी आपका हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई
और ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बाकी सब होगा। न्यूज़ अबाउट द एलिग्ड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट ऑफ द UNOPS इनिशिएटिव एंड करंट अफेयर का डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन 31 पॉलिटी का है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ मींस। द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस एंड बी है द प्रोसीडर स्टेबलाइज बाय लॉ एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसका द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पहला जो है सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यू प्रोसेस लॉ एंड नेचुरल जस्टिस आर क्लोजली कनेक्टेड विद ऑप्टेन यूज interchangeable in the legal context and while they are related they are slightly different besides due process of the law refer to the legal principle of the individual have the right to the treated fairly and justice। बाकी आप पढ़ लीजिए था बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन था डिफिकल्ट क्वेश्चन था 32 था पॉलिटी। अब पॉलिटी आ गया आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, prison are managed by the state government with their own rule and regulation for day-to-day administration of the prison. Statement 2 है, In Indian, prison are governed by the Prison Act 1894, which express kept the subject of the prison in the control of the provincial government. Which one of the following correct aspect of the above statement? तो इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों सही है, उसका व्याख्या भी कर रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेंट बिकॉज द प्रिजन आर क्लियरली मेंशनड एज द आइटम नंबर 4 अंडर लिस्ट सेकेंड शेड्यूल 7 एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। द प्रिजन एक्ट 1894 अंडर सेक्शन 4 क्लियरली मेंशन द फॉलोइंग। प्रिजन मीन्स एनी जेल और प्लेस एंड परमानेंटली टेम्पररी अंडर द जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिटेंशन ऑफ द प्रिजन। मोर इन्फॉर्मेशन, recent release of the criminal by the state government has brought the issues of the prison management into the national news। constitution of the india the prison act 1890 current affair ka tha, difficult question tha। 33 number question hai polity, which one of the following statement reflect the chief purpose of the constitution of the country। to ye hai it defines and limit the power of the government। ye to easy tha information, इजी है कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी है। एंड पॉलिटी 34, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनएक्टेड टू ओवरकम द ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। दिस इज आल्सो इज फर्स्ट अमेंडमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू एग्जामिन द PIL चैलेंजिंग चेंज मेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 विद द पिटीशन ऑफ द कंटेनिंग दियर अमेंडमेंट डैमेज इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इशू दैट। तो ये भी इजी था। सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू एग्जामिन द PIL चैलेंजिंग चेंज मेड द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1951 द पिटिशनर एंड कंटेंडिंग द अमेंडमेंट डैमेज इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्सेप्चुअल था, इजी था ये भी। और ये अगला क्वेश्चन 35 का सब्जेक्ट पॉलिटी, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। फर्स्ट है द नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास एंड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द नेशनल लॉ कमीशन एंड द नेशनल कंज्यूमर डिप्यूट्स एंड रिडेसर कमीशन। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ओनली वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, NCBC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास एंड 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द आर्टिकल 338B। NHRC इज द स्टेचुटरी बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 एंड नेशनल लॉ कमीशन इज एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन इज ए स्टेचुटरी बॉडी। स्टैटिक था कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंसेप्चुअल, ये तो लक्ष्मीकांत में भी है। 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल एक्ट डन बाई हिम हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर डेट एंड डिसीजन बिकम इनवैलिड। एंड सेकेंड, द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड
on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. And third is when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he she has to declare his her assent. How many of the above statements are correct? None. No is correct. Statement is first is correct incorrect because it clearly mentioned that 71 clause 2 such act shall not be invalidated as the result of such a decision. And second statement is incorrect because as the Constitution does not provide any provision for the postponement of the election of the post president. And third is incorrect because Article 111, which provides the assent of the bills by the president, does not put any time limit under which such bill has to assent. So, yeah, more information. Election president was in news. News mein tha, Constitution of India constitutes difficult question. Tha. Political 37 ka question tha. With reference to the finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statement. First, when the Lok Sabha transmits the finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. And second, when the Lok Sabha transmitted the money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make the recommendations. And three, in the case of the disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting of the money bill, but joint sitting becomes the necessary for the finance bill. How many statements is correct? So only one. Only one first statement is incorrect because the Rajya Sabha cannot amend or reject the finance bill, but only the recommend change will Lok Sabha can accept or not. Second is correct, as after money bill is passed by the Lok Sabha, it is transmitted to Rajya Sabha for its consideration. The Rajya Sabha has restricted power with regard to money bill. It cannot reject or amend the money bill. It can only make the recommendations. And third statement is correct because finance bill is money bill and there is no provision for holding joint sitting for money bill. And more information, Constitution in India, Constitutional Model. 38, consider the following statement. Once the central government notifies an area for community reserve. First statement. The chief wildlife warden of the state become the governing authority of the such forest. Hunting is not allowed in such area. People such area are allowed to collect non-timber forest produce and people of such area are allowed traditional agricultural practices. How many statements are correct? Only three. Three is correct. One is incorrect. In which first statement is incorrect? As per the Section 360D of the Wildlife Protection Amendment Act 2002, the state government shall continue the Community Reserve Management Committee, which shall be authority for responsible for the government of maintaining and managing the community reserve. The committee shall consist of five representative nominees nominated by the village panchayat or where such panchayat does not exist, the member of the Gram Sabha and representative of the State Forest and Wildlife Department under whose jurisdiction and community reserve is located. And sabhi statement kahi hai. Wildlife Protection Act 2022 ka hai, conceptual hai, difficult tha. 39 hai, with reference to the scheduled area in India, consider the following statement. तो ये कौन सा है विद इन स्टेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट तो दिस इज राइट अंडर लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ द विलेज इन द ब्लॉक ए बी सही है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्नड स्टेट रिक्वायर फॉर द सबमिट एनुअल रिपोर्ट विद यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली टू Because third statement is wrong. Report of the government of the president regarding the state administration of scheduled area. The governor of each state having the scheduled area therein shall annually or whenever so required by the president make a report to president regarding the administration of the scheduled area in the state and executive. The power of the union shall extend to giving the defection of the state or the administration of said areas. More information, important static part of the Constitution and the Constitution of India constitutes moderate tha.
एंड 40 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन द सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसी इज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 मेंटेनेंस एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन. एंड सेकेंड स्टेटमेंट, आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफेंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें जो है स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है. दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि जो स्टेटमेंट सेकंड है, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है. अल्थो आर्टिकल 335 मेंशन, नॉट 335 मेंशन द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट डज नॉट डिफाइन द टर्म. ओके, दैट्स वाई इट्स रॉन्ग. एंड इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन मॉडरेट था. एंड नेक्स्ट 41 है हिस्ट्री का. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धन्यकटका विच फ्लोरिस्ड एज द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द मसान, क्या है, महासघिकास लोकेटेड. तो ये ऑप्शन है आंध्रा. द बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ द अमरावती वाज लोकेटेड नेक्स्ट धन्यकटका कैपिटल ऑफ द लेटर सतवाहनास. द अमरावती सूबा वाज द लार्जेस्ट इन द आंध्र कंट्री एंड रेफरेंस टू द एंशियंट एंड इंस्क्रिप्शन एस महाचैत्य. मोरिफर स्कोर सब्जेक्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉडरेट है. क्वेश्चन नंबर 42 है हिस्ट्री का. विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज द बुद्धिस्ट इन रीजन ओरिजिन एंड स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी रिलिक्स एंड स्तूपा वाज द वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. तो ओनली टू, बिकॉज द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्तूपा ओरिजिनली फनररी माउंट्स एंड मे बी प्री बुद्धिस्ट. द महापरिनिब्बाना सुत्ता टेल्स अस द एट स्तूपा वेयर बिल्ट ओवर द क्रीमेटेड रिमेन द बुद्धा एंड टू अदर ओवर द क्रीमेशन वेसल एंड एम्बर ऑफ द फनरल पायर. देयर आर सेवरल आइसोलेट स्तूपा एंड ऑल्सो स्मॉल वोटी स्तूपा. बेसिक ऑफ बुद्धिज्म, बेसिक कॉन्सेप्चुअल था, मॉडरेट था. और 43 है हिस्ट्री का. विद रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया कोराईकई एंड पूम पुहार एंड मचीरी आर वेल नोन एज. ये है पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स था. द प्रीमियर चोला पोर्ट आर द पुहार आल्सो नोन एज द कावेरी पूम पाटीनम. द मेजर पांडे पोर्ट वाज कारकाई एंड टोंडी एंड मचीरी वेयर द इम्पोर्टेंट पोर्ट इन द चेरू किंगडम. इन मोर इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट एंशियंट पोर्ट है. बेसिक था, इजी था. 44 है हिस्ट्री का. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ द बीटा किरुतल आर मेंशनड इन द संगम पोइम्स. ए किंग डिफीट द बैटल ऑफ कमिटिंग रिचुअल्स एंड सुसाइड फॉर द स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ. ये जो डी है वो सही है. ये संगम पोएम है बेटा किरुतल का. द प्रैक्टिस ऑफ द बेटाई किरुतल वाज इन विच डिफीटेड किंग कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय द स्टार्विंग हिमसेल्फ डेथ एकम्पनीड बाय दोज हु हैड बीन क्लोज टू हिम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. ऑन इंस्टेंस ऑफ द चेरा किंग प्रैक्टिसिंग सच बेटा क्यूराइटल इन द मेंशन द संगम लिटरेचर. मोर इन्फॉर्मेशन, ये उपेंद्र सिंह हिस्ट्री एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया का है. बेसिक कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट था ये. 45 है हिस्ट्री का. कंसिडर द फॉलोइंग डायनेमिक्स होयसाल एंड गहरवाल एंड ककायते और यादवा. हाउ मेनी ऑफ एबव डायनेस्टी स्टेबलाइज दियर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी. तो ये है नन, बिकॉज द बिगिनिंग ऑफ द 13th इज मार्क्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एंड द चालुक्य एम्पायर्स ऑन द ईयर ड्रीम्स एमर्ज फॉर इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑन द रीजन. तो यहाँ पर होयसाला 10th to 14th सेंचुरी और गढ़वाल जो था 11th to 12th सेंचुरीज का था और ककायती जो था वो 12th to 14th सेंचुरी था. एदवा जो था वो 12th to 14th सेंचुरी में था. मोरिफॉर्म इम्पॉर्टेंट डायनेमिक्स था. इग्नू नोट्स वेरियस एनसीईआरटी एंड वेरियस वेबसाइट एंड बेसिक कंसेप्चुअल एंड ईजी था. 46 हिस्ट्री का है. ये है लिटरेरी वर्क एंड ऑथर एंड देवी चंद्र गुप्ता बिल्हाना एंड
हमीरा महाकाव्य एंड नयाचंद्र सूरी एंड मिलिंदा पंचा एंड नागार्जुना एंड नीति वाक्यामृता एंड सोमदेव सूरी। हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्ट मैच्ड? तो इसमें ओनली थ्री। देवी चंद्र गुप्ता रिटन बाय द विशाख दत्त नॉट बिल्हाना, दैट्स वाई फर्स्ट रॉन्ग एंड नॉट करेक्ट। इंपॉर्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर एनसीईआरटी इंडिया का है माखनलाल का, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट था 47 है। सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो द रॉक रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लुक्ड ऑन लिविंग बाई अदर रिलीजन सेक्ट्स। द एबव स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट वन ऑफ द कोर बिलीफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन सेक्ट एंशियंट इंडिया। तो इसका है जैनिज्म। जैनिज्म ने तो सबको पता है, ईजी था, मॉडरेट दिया लेकिन ईजी था। हिस्ट्री था, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स विजय नंगरा एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस द तुंग भद्रा रिवर एंड कैनाल कंप इक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम रिवर इन द कैपिटल सिटी। ये था देवराय फर्स्ट ने किया था। क्रेडिट मेकिंग द कैपिटल सिटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन द 15th सेंचुरी गोज टू देवराय फर्स्ट। ही रियलाइज्ड द स्कार्सिटी ऑफ द वाटर सप्लाई बोथ द ड्रिंकिंग एंड द इरीगेशन वॉज द रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रोथ एंड द रॉयल कैपिटल। इन 1410 ही हैड ए बैरेज एंड कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड कमीशनड इन 24 किलोमीटर इक्विडक्ट एंड फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर टू द कैपिटल। द अकाउंट प्रोवाइडेड बाई द नूनीज गिवस डिटेल द प्रोजेक्ट अंडरटेकन देवराय फर्स्ट एंड वॉट प्रोस्पैरिटी इन द किंगडम। मोर इन्फॉर्मेशन विजयनगर एम्पायर सतीश चंद्र एनसीआरटी 9th पेज नंबर 116 पूरा दिया गया, ईजी था। एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन है 49। हु एमंग द फॉलोइंग रूल्स मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड बाई ड्यू टू द पुर्तगीज। ये है बहादुर शाह ने दिया था। नीनो द कुन्हा एज्यूम्ड ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंटरेस्ट इन द इंडियन इन 1529। बहादुर शाह गुजरात ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं इज सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम द पुर्तगीज बाय सेडिंग द देम इन 1534 द इजलैंड ऑफ द बेसिन एंड दियो। मेडिवल एज का है, एनसीटी सतीश चंद्र पेज नंबर 128। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया में कौन सा इजी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 50 है, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजिग्नेटेड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट इज़ द चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द कॉन्स्टलाइज इन द ब्रिटिश इंडिया। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया एंड वेस्टेड हिम सिविल एंड मिलिटरी पावर्स। ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स कैंपस है, बेसिक है, लक्ष्मीकांत में भी है। पॉलिटी फिर से आ गया 51। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द जननी सुरक्षा योजना। इट इज़ द सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी एमंग पुअर प्रेगनेंट वुमेन। इट एम टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमंग पुअर प्रेगनेंट वुमेन। इट्स ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड द प्रोवाइडिंग द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज जननी सुरक्षा योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, इट बिगिन द इम्प्लीमेंटेड एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द मैटर एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड थ्री इज राइट, चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूसिंग मैटरनिटी एंड इन्फेंट एंड स्टैंड। फोर इज इनकरेक्ट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव टू टेक केयर ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन एज द लार्जेस्ट ग्रुप रेदर देन द प्रोवाइडिंग द हेल्थ फैसिलिटी सिक इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। एंड मोर इन्फॉर्मेशन फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एंड स्कीम एंड पॉलिसीज आर डिफिकल्ट था। 52 है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरवेंशन बींग अंडरटेकन अंडर द एनीमिया मुक्ति भारत स्ट्रैटेजी। इट प्रोवाइड द प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रेन एडोलेसेंट्स एंड द प्रेगनेंट वुमेन। एंड सेकेंड, इट रन्स ए कैंपेन फॉर डिले एंड द क्लैंपिंग एट टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। इट प्रोवाइड द पीरियोडिक डिवॉर्मिंग
टू चिल्ड्रेन एंड एल्डर्स कैन सी इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ द एनीमिया इन एकेडमिक पॉकेट विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया एंड हीमोग्लोबिपैथीज एंड फ्लोरिसिस। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर सी? ओनली थ्री। तो ओनली थ्री में ओनली थ्री सही है, हेंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग है बिकॉज आर प्रोवाइड फॉर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स। इधर ही पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, आप पढ़ सकते हैं इसको। एक करंट अफेयर का है, भूगोल गवर्नमेंट ऑफ स्कीम अप्लाइड मॉडरेट था। और 53 है, साइंस एंड टेक का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन फाइबर आर यूज इन द मैन्युफैक्चर एंड कंपोनेंट यूज इन द ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो ओनली वन यूज इट कैन बी रिसाइकल्ड। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मॉडरेट था। और क्वेश्चन नंबर 54 साइंस एंड टेक का, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन। डिटेक्शन ऑफ द कार क्रैश कोलिजन्स विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। एंड सेकेंड, डिटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टूवर्ड द ग्राउंड विच रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। एंड डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विल रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ द डिस्प्ले बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप मोड। हाउ मेनी मेनी ऑफ एबव एक्शन इज फंक्शन ऑफ द एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड? ऑप्शन ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। फैक्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54 साइंस एंड टेक का वही है, विच रेफरेंस टू द रोल ऑफ द बायो फिल्टर्स टू रिसर्कुलेटिंग द एक्वा कल्चर सिस्टम। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। बायो फिल्ट्रेशन प्रोवाइड द वेस्ट ट्रीटमेंट बाई द रिमूविंग द अनयीस्टेड फिश फीड एंड द बायो फिल्टर कन्वर्ट द अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। एंड थर्ड है, बायो फिल्टर इंक्रीज द फॉस्फोरस आर न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। हाउ मेनी स्टेटमेंट? ओनली टू। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? बायो फिल्टर आर डिजाइन टू फिल्टर द पॉल्यूटेंट एंड नॉट टू ऐड टू न्यूट्रिशन। एंड द स्टेटमेंट इज थ्री इज इनकरेक्ट। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्चुअल था, एप्लीकेशन बेस्ड था, मॉडरेट था। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड डिस्क्रिप्शन। सेफिड्स जियांट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। नेब्यूली स्टार्स विच ब्राइटिंग एंड डीम्ड पीरियोडिकली। एंड पल्सर्स न्यूट्रॉन्स स्टार्स फॉर्म व्हेन द मैसिव स्टार रन आउट फ्यूल एंड कोलैप्स। हाउ मेनी स्टेटमेंट? ओनली वन इज राइट बिकॉज थ्री इज राइट। नेबुलस आर द बर्थ प्लेस स्टार्स प्राइमरी मेड गैस एंड डस्ट। द स्पेयर टू इज इनकरेक्ट। एंड सेफिड्स वेरिएबल आर स्टार्स यूज टू स्टैंडर्ड कैंडल्स मेजर द ल्यूमिनसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्काई। द स्पेयर इज इनकरेक्ट। रीजन्स इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड प्रीलिम कॉन्सेप्ट। फैक्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन था। वैसे एनसीईआरटी में भी मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी में था ये। साइंस एंड टेक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इजराइल एंड जापान। क्वाजी जेनिथ इज द नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम ऑफ द जापान। एंड कंट्रीज दैट हैव द ओन नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम इंक्लूडिंग USA, चाइना, रसिया, इंडिया, EU एंड जापान। मोर इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फैक्चुअल था, ईजी था। 58 है साइंस एंड टेक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एंड सबसोनिक स्पीड थ्रो आउट दियर फ्लाइट। एंड क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फाइट। अग्निवी इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन आर करेक्ट? ये नाइदर वन नाइदर टू, बोथ आर रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट आर एक्सप्लेनेशन, बैलिस्टिक एंड क्रूसियल मिसाइल आर द स्ट्रैप्ड इन द स्टेटमेंट। टू इज एक्सप्लेनेशन वाइब्ड एंड अग्निवी एंड ब्रह्मोस। मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर मिसाइल टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स, कैंपस एंड फैक्चुअल मॉडरेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द एनवायरमेंट आर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मर्करी पॉल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट काज मर्करी पॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट है,
देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ स्कोर ऑन मरकरी। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट इसका राउस क्लास नोट्स भी अपना ही प्रचार किया। एनी वे 60 नंबर का इन्वायरमेंट का है। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन एंड इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज द फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। इट कैन यूज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। हाउ मेनी स्टेटमेंट। तो ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाइड्रोजन बींग कम्बस्टाइबल कैन बी डायरेक्टली यूज टू इंटरनल कम्बस्शन इंजिन्स। इट इज़ गुड एंड एनी हाइड्रोकार्बन। द स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। एंड अल्टरनेटिव हाइड्रोजन कैन ऑल्सो यूज इन द फ्यूल सेल। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। मोरवन डिस्ट्रिक्ट ने GIO लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2020 थ्रू प्रीलिम्स। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। और 61 है इंटरनेशनल रिलेशन से। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज बुल्गारिया चेक रिपब्लिक एंड हंगरी एंड लतविया and Lithuania and Romania। How many of the above mentioned countries share a land border with Ukraine? So only two Ukraine, you can see the map, Moldova and Belarus and वगैरह सब देख सकते हैं। तो Ukraine share the land border with Hungary and Romania and Poland, Russia, Belarus and Slovakia and Moldova। तो यूक्रेन रशियन वार का है, रेटलस का करंट अफेयर मॉडरेट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 62 है ज्योग्राफी का, फिर से आ गया। विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द टोटल अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन रिसीव्ड द इक्वेटर टू रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द रिसीव्ड एट द पोल्स। इंफ्रारेड रेस कंस्टिट्यूट द रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन एंड इंफ्रारेड वेव ऑफ द लार्जली अब्जॉर्ब बाई वाटर वेपर विद कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड वेव आर द पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द सोलर रेडिएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन ऑफ रिसीव्ड द सरफेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 वाट इन द टॉपिक ऑफ द 70 वाट मीटर स्क्वायर इन द पोल्स एंड इक्वेटर रिसीव द कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन दैन द ट्रॉपिक। स्टेटमेंट बी इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट बिकॉज सम एटमॉस्फेरिक गैस सच एज वाटर वेपर अब्जॉर्ब इमिट इंफ्रारेड एंड एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डाउन टू द अर्थ सर्फेस। स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट बिकॉज इंफ्रारेड वेव इज आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम। मोर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट NCERT कंसेप्चुअल इजी क्वेश्चन था। ज्योग्राफी 63। ज्योग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सॉइल इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एंड द सेकंड स्टेटमेंट द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल डिकम्पोज क्विकली। तो ऑप्शन इसमें जो होगा डी होगा क्योंकि इससे पहला स्टेटमेंट गलत है। द सॉइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नो द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल डिकम्पोज मोर क्विकली दैन अदर क्लाइमेट। दस रिलीजिंग ऑफ द लॉजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स रैपिडली। द हाई वैल्यूम ऑफ रेन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाज न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द सॉइल मोर क्विकली दैन इन अदर क्लाइमेट्स। तो NCERT का तो इजी था। 64 है ज्योग्राफी का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन इज द ग्रेटर ड्यूटी समर दैन इन विंटर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर दैन द लैंड सर्फेस। तो इसमें जो पहला इनकरेक्ट है क्योंकि द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन इन विंटर। तो इनकरेक्ट बिकॉज डियर द ड्यूरिंग द समर वाटर एक्यूमुलेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अनेबल टू लूज क्विकली बाई विंटर। हेंस ड्यूरिंग विंटर लैंड बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड वेयर एज वाटर स्टिल रिमेन वार्म लीडिंग हाई थर्मल कंस्ट्रक्शन विच फैक्चुअल। एंड इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है NCERT का, कंस्टिट्यूट मॉडरेट है। और ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव इज रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। एंड सेकेंड इन पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन वेयर एज एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन टू राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। तो इसका बोथ स्टेटमेंट इज राइट। यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन एंड इम्पॉर्टेंट NCERT है भाई।
और क्वेश्चन नंबर 66 है जियोग्राफी। विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड इन थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, एंड सेकेंड, नन ऑफ द देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, एंड थ्री, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो नन, सभी गलत है भाई। तो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन मुंद्रा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। द पावर प्लांट इज वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ अडानी पावर। द कोल पावर प्लांट इज इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फॉर्म बर्न्यू इंडोनेशिया सोर्स ऑफ वाटर ऑफ द पावर प्लांट सी वाटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ। तो दैट्स वाई, तो अडानी पावर फैक्चुअल डिफिकल्ट था। 67 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बोलबाचिया मेथड इज समाइम टॉक्ट अबाउट रिफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज, कन्वर्टिंग द क्रॉप रेसिड्यू इनटू द पैकिंग मटेरियल, प्रोड्यूसिंग द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्रोड्यूसिंग द बायोचर फ्रॉम द थर्मोकेमिकल कन्वेंशन ऑफ द बायोम। तो इसका पहला होगा कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, द बोलबाचिया। ये तो भैया मेरे न्यूज में भी रहता है, वे कंट्रोल। करंट अफेयर का है, इजी है क्वेश्चन। इन्वायरमेंट का है 68। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेडिंग द फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक फॉर फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, एंड इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशियन बाय द एडिंग लाइम, एंड थर्ड, कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इन टू द एब्यूडोंड सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेटेड वाटर। हाउ मेनी ऑफ द एबव एक्टिविटीज आर ऑफ्टन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन? ऑल थ्री आर करेक्ट। तो पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। कार्बन कैप्चर ग्लासगो ग्लासगो कंसेंसस मॉडरेट था। 69 है एरियल मेटा जीनोमिक्स बेस्ट रिपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? तो कलेक्टिंग द डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट वन गो, ये भैया सही है। एरियल मेटा जीनोमिक्स इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डीएनए कलेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट हैबिटेट एंड सर्टेन स्पीसीज इन द एरिया। द डीएनए दैट इज लेफ्ट बाय द एयर स्पीसीज रिमेन इन द एनवायरमेंट लाइक वाटर बॉडीज एंड सॉइल एंड एयर। मतलब आप कहीं से भी गुजरते हैं तो वहाँ पर आपका डीएनए भी भैया छूट जाता है, हवा में उड़ जाता है। मोर इन्फॉर्मेशन, एनवायरमेंटल डीएनए हैज रिसेंटली गेंड ट्रैक्शन इन वे टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज या प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज डिफिकल्ट टू रीच हैबिटेट लाइक डीप ओशियन। इकोनॉमिक टाइम्स करंट अफेयर का मॉडरेट था। 70 पहुँच गए हम। 70 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो सेटेलाइट डी एन ए इज यूज फॉर केस आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो पहला है स्टडाइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ द फौना। माइक्रो सेटेलाइट आर द सेक्शन ऑफ द डीएनए विच इंड्यूस द वेरिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स विद इन ए स्पीसीज एंड वेरिएशन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दस इट कैन बी यूज एज द इंडिकेटर ऑफ ट्रेस द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज। मार्को सेटेलाइट आर यूज इन द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्चुअल डिफिकल्ट था, वैसे जो साइंस पढ़ा होगा उसके लिए जी होगा। इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, द मीडियम इंटरप्राइजेज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 crore एंड 25 crore। ऑल बैंक लोन टू द माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेज क्वालिटी अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इन करेक्ट बिकॉज इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ अमेंड द क्रिटेरिया फॉर एमएसपी वेयर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। हाउएवर पर क्रिटेरिया ऑफ एनएसपी आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिट क्रिटेरिया इन्वेस्टमेंट ऑफ टर्नओवर। तो मैन्युफैक्चरिंग 1 crore अंडर देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस सर्विस इंटरप्राइजेस माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए, माइक्रो के लिए 1 crore एंड टर्नओवर जो है 5 crore, इन्वेस्टमेंट जो है 10 crore स्मॉल के लिए है और टर्नओवर 50 crore है, मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 crore और टर्नओवर 250 crore। तो रिसेंट चेंज इन डेफिनेशन ऑफ एमएसपी फाउंडेशन करंट अफेयर इजी। 72 है इंडियन इकोनॉमी का, विद रिफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ पॉसिबल मेक पेमेंट इन द डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग द यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम। सेकेंड, ए डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू ए सच ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग।
दिस इज सेकेंड मतलब थर्ड स्टेम वो था राइट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं न्यूज़ में क्यों था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बाय आरबीआई के लिए था, करंट अफेयर का डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इंडियन इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस ऑफ द टर्म बीटा रेफरेंस टू बीटा में द प्रोसेस ऑफ सिमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एसेट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एम बी ए द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवार्ड एंड सी ए टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द एरियाज वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल एंड डी इज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द मेजर्स ऑफ द फ्लैक्चुएशन ऑफ द स्टॉक टू चेंज द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो डी ऑप्शन इज राइट। बीटा इज अ शेयर ऑफ मार्केट मार्केट इंडिकेटर यूज फॉर इन्वेस्टर टू असेस द रिस्क ऑफ द अटैच्ड इन द स्पेसिफिक स्टॉक इन एनेबल द इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड वेयर द स्टॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द रेस्ट ऑफ मार्केट। एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेबी वेबसाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये भी 74 है। इंडियन इकोनॉमी का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग द माइक्रो क्रेडिट टू एंड फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। सेकेंड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन देन इंडिविजुअल मेंबर टेक। थर्ड इज द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर सपोर्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउ मेनी स्टेटमेंट ओनली टू। तो इसमें जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम द बैंक लेंड्स मनी फॉर इंटायर ग्रुप एंड नॉट इंडिविजुअल मेंबर। द सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन बी लेंड लोन टू इंडिविजुअल मेंबर फॉर ग्रुप। The group is collected and responsible for the repayment loan to the bank. Hence, statement 2 is correct and 3 is also correct. तो NABARD handbook forming self help group and constitute current affair medium था। 75 है पॉलिटी का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इंडियन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस्ड ऑन द क्यूरेटिव केयर विज लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रमोटिंग एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। एंड सेकेंड अंडर इंडियन डिसेंट्रलाइज अप्रोच हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस। तो इसमें बी वाला जो सही है दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा बस। और यहाँ पर दिया है फर्स्ट इज करेक्ट। थ्रू नेशनल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर गोज टू क्यूरेटिव केयर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और स्टेट टू इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एज हेल्थ फाइंड इट्स प्लेस इन द सेकेंड सेवन शेड्यूल एंड मॉडरेट है ये भी क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 एनवायरनमेंट का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 इंडियन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वाटर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विदड्रॉल ईच ईयर। एंड सेकेंड इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द सैनिटेशन नीड ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट करेक्ट और सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यू नो वेरी वेल इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर बट 89% ऑफ इंडिया एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर इज बींग यूज फॉर इरीगेशन एंड नॉट फॉर ड्रिंकिंग सैनिटेशन नीड। मोर देन 60% इरीगेटेड एग्रीकल्चर 95% फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई द डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर हेंस टू इज रॉन्ग। तो प्रीलिम्स के पास से इस करंट अफेयर का इजी क्वेश्चन है। पॉलिटी अगला क्वेश्चन है 77। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड सेकेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल ए पर्सन बींग हेल्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। तो इसमें जो ओनली टू स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज द सेक्शन 32 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ टेरिटरी एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर द एडमिशन ऑफ द कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिंटेंड ऑफ द पुलिस टू बी एडमिनिस्ट्रेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ 32 सर्टेन प्रोफेशन कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर्स टू बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन। यहाँ पर दिया पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये कॉन्सेप्चुअल। 78 है इंटरनेशनल रिलेशन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द सफरिंग फ्रॉम द डिकेड ऑफ द सिविल स्ट्रीफ एंड फूड शॉर्टेज एंड वाज इन न्यूज़ इन द रिसेंट पास्ट फॉर इट्स वेरी सिवियर फेमाइन।
तो ये सोमालिया था। एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंटायर सिक्स कंसेक्यूटिव रेनी सीजन विद नो रैन डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूज टू क्लाइंब एज मिलियंस फ्रॉम सोमालिया इथोपिया एंड केन्या स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एंड अमाइड द स्कार्स वाटर सोर्स हंगर एंड इनसिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ओनली सोमालिया इज द कंट्री विच हैज़ बीन फेसिंग सिविल थर्स्टिव सिंस 1990। मोर इन्फॉर्मेशन करंट का न्यूज है कंसिस्टेंट मॉडरेट था 79 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल द सेकेंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट कमिटी हैव इम्पॉर्टेंट फंक्शंस टू डिटरमाइन एक्सेस एंड बेनिफिट ऑफ शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स विद इन द ज्यूरिडिक्शंस। विच स्टेटमेंट इज सही बोथ स्टेटमेंट आर राइट। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है पढ़ सकते हैं। कंसेप्चुअल था ईजी था ये भी 80 नंबर क्वालिटी का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इन इंडिया। The member of nominated either house of the parliament and the legislative assemblies state are also eligible to include the electoral college. The higher number of the elective assembly seats, higher is the value of vote for each MLA on the state. And third is the value of the vote of the MLA of Madhya Pradesh is greater than the Kerala. The value of the vote of the each MLA Pondicherry is higher than the Arunachal Pradesh because of ratio of the total population, total number and elective seat in the Pondicherry in the greater than compared to Arunachal Pradesh. So only two statement is right. First is wrong because 54(5) clause 2 article and 55(2) clause 2 clause 2c limits the electoral college for to only the elected member of the legislative of the state and parliament of India can elect the president. And so article 52, every elected member of the legislative assembly of state shall have many voters and their multiple of the thousand of the questions obtained for dividing the population of the state by total number of the elected member of the assembly. And is ऑप्शन सी ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द आइदर हाउस शैल हैव सच नंबर ऑफ द वोट्स एज मे थ्रू आफ्टर द डिवाइडिंग ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पढ़ सकते हैं 2, 3 बोथ आर करेक्ट एंड 4, 3 आर सो करेक्ट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग मैच। आपको देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटें हैं, सबका सीट दिया गया है यहाँ पर। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्ट था। और 81 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया ए एच लिंगर्स्ट एंड लोबल स्वेल जेम्स वर्गिस एंड द वेल्चर इलियट वेयर एसोसिएटेड विद क्या थे ए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन थे। यहाँ पढ़ सकते हैं इनके बारे में। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट था ये। और ये साइट है और ए वेल नोन फॉर और बेस नगर एंड साबित क्या है साबित केव श्रीन एंड भाजा है बुद्धिस्ट केव श्रीन एंड सीता नवासल जैन केव श्रीन। हाउ मेनी एवर पेयर आर करेक्टली मैच्ड ओनली टू एंड विच इज रॉन्ग। यहाँ पढ़ सकते हैं ठीक है। यहाँ बेसनगर इज द हेलियोडोरस पिलर्स इन स्टोन कॉलम ऑफ द इलेक्टेड अराउंड 113 BC इन द सेंट्रल इंडियन बेसनगर नियर वेदिसा एंड मध्य प्रदेश। द पिलर वाज कॉल्ड द गेरुदा पिलर बाय हेलियोडोरस रिफर टू द गेरुला। हेलियोडोरस वाज अम्बेसडर ऑफ द इंडो ग्रीक किंग एंटीडस फ्रॉम टैक्सिला एंड वाज सेंट टू द इंडियन रूलर बाघाभद्रा। इट कंटेन सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन राइटिंग ऑफ द वेदेस कृष्णा डिवीजन एंड अर्ली वर्ली वैष्णवजम एंड इज कंसिडर द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन दिवेंशन। तो ये सही है। तो देख सकते हैं अगला एक मिनट। तो फर्स्ट रॉन्ग है, बाकी दोनों भाई सही है। एंशियंट है, एंशियंट इंडिया का मॉडरेट था।
33 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 7 अगस्त डिक्लेयर द नेशनल हैंडलूम डे एंड इट वॉज द 905 फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द सेम डे। तो इसमें जो है स्टेटमेंट दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। विच ऑफ द लॉन्च 7 अगस्त 1905 फर्स्ट इंकरेज द इंडिजिनियस इंडस्ट्री इन द पर्टिकुलर हैंडलूम वेवर। द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे वॉज इनोग्रेटेड 7 अगस्त 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी इन द चेन्नई। दिस वॉज टू बूस्ट द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस इन द इंडियन गुड टू बायकॉट द फॉरन प्रोडक्ट एंड नेशनल हैंडलूम डे। ओरिजिनल स्वदेशी मूवमेंट इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द 1905। बोथ द स्टेटमेंट गिव करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मोर इन्फॉर्मेशन, नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर था एंड बेसिक करंट अफेयर मॉडरेट था। 84 है पॉलिटी का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग ऑन द इंडियन अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड इंडिया 2002। स्टेटमेंट वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग 600 mm टू 400 mm। तो इसमें जो है ये तो आपको पता होना चाहिए उसका क्वेश्चन। पहला जो है गलत है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि द फ्लैग कोड स्टेट दैट द ट्राई कलर कैन बी 9 स्टैंडर्ड डायमेंशंस, यू कैन सी ऑल साइज इन mm। इन द फर्दर एड ऑफ द फ्लैग्स इज इतना 450 एंड 3। तो सेकेंड इज करेक्ट, यू नो वेरी वेल। एंड घर तिरंगा, हर घर तिरंगा से रिलेटेड न्यूज़ था। और क्वेश्चन नंबर 85 है पॉलिटिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहला है स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर फॉर प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एमंग द सिटीजन्स। स्टेटमेंट टू, ऑन द 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें स्टेटमेंट जो है पहला सही है, सेकेंड गलत है, क्योंकि 26 नवंबर ऑफ द डे अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट डे ऑन विच द अडॉप्टिंग कमिटी हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट्स वाई रॉन्ग। मोर इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ सेलिब्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी 26 नवंबर। करंट अफेयर ईजी क्वेश्चन था। और 86 है इंडियन इकोनॉमी का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यूज। एंड सेकेंड, स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन वर्ल्ड। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। बिकॉज स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, ओके। हाउएवर इट इज नॉट द एमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द टर्म ऑफ गोल्ड रिजर्वर। एंड इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर का न्यूज है, मॉडरेट है। और 87th है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। स्टेटमेंट सेकेंड है, द USA एंड EU क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड प्रोडक्टिव अंडर दियर कंट्रोल। विच स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। बिकॉज द EU एंड US ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल सेवर है फॉरम फॉर यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन फॉर कोऑर्डिनेट अप्रोचेज टू की ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी इशू एंड टू डिपेंड द ट्रांसलेंटिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बेस्ड ऑन दियर शेयर्स वैल्यू। मोर इन्फॉर्मेशन, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड ए सिमिलर पैक्ट ऑन द यूरोपियन यूनियन। करंट अफेयर कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन। 88 इंडियन इकोनॉमी का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अकाउंट्स अ 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ फूड। सेकेंड, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेशन इन इंडिया हैव टेक द एडवांसिंग ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज राइट। बिकॉज इंडिया अकाउंट 2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड, हेंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अंडर द PLI स्कीम द कंपनीज आर ऑफर्ड इंसेंटिव ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरन कंपनीज एंड ऑपरेटिंग द इंडिया हैव टेकन द एडवांस ऑफ PLI स्कीम, हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एंड मोर इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ये देख सकते हैं, करंट अफेयर का मॉडरेट क्वेश्चन था। 89 है इंटरनेशनल रिलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज द ट्रीटी दैट फर्स्ट लिमिट्स ऑफ द लेवल ऑफ द बजटरी डिफिसिट ऑन द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन
एंड सेकेंड मेक द कंट्रीज द यूरोपियन यूनियन इज शेयर दियर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एंड थ्री है इनेबल द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर द टेक्नोलॉजीज. हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन करेक्ट, बिकॉज द सब्सिडी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट इज अ सेट अ रूल ऑफ डिजाइन इंश्योर द कंट्रीज टू यूरोपियन यूनियन परस्यू साउंड पब्लिक फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेट देयर फिस्कल पॉलिसीज. ठीक है, इसलिए वन करेक्ट है और बाकी गलत है. एंड मोर इन्फॉर्मेशन, एक करंट अफेयर का है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई. 90 इंटरनेशनल रिलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट ईवर कंपास ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कंपास ऑफ सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेन माइग्रेशन, एंड सेकेंड द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM एंड बाइंडिंग इन UN मेंबर कंट्रीज, एंड द GCM एड्रेस द इंटरनल माइग्रेशन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट. तो फर्स्ट ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ग्लोबल कंपैक्ट ऑफ सेफ ऑर्डरली रेगुलेट द माइग्रेशन ऑफ नॉन बाउंडिंग एग्रीमेंट, नॉट बाउंडिंग एग्रीमेंट. तो जो फर्स्ट है, ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर बेटर मैनेजमेंट माइग्रेशन अडॉप्टेड 2018, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल गवर्नमेंट नेगोशिएटिव एग्रीमेंट पेपर अंडर द auspices and the United Nations cover all dimensions of international migration in holistic and comprehensive manner. The major goal of the compact is to set the nation and state the frame well managed migration policy and to enforce the strengthen the regular migratory pathways and protect human right migration. And that's three is wrong and option A is right. Only one statement for the right is non-bounding agreement. It is not bounding. The nation adopted the international global compact of the safe orderly and regulatory migration and of the commitment binding नहीं है, non bounding है. तो ये दूसरा गलत है, तीसरा गलत है. ओके, और ये जो है करंट अफेयर का न्यूज है, डिफिकल्ट है. 91 है पॉलिटी का. विद रेफरेंस टू द होम गार्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. होम गार्ड आर राइज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड द रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सेकेंड, द रोल ऑफ द होम गार्ड इज सेवर एज द an auxiliary force of the police in the maintenance of internal security. And third is to prevent the infiltration of the international border, coastal area and border. Being home guard battalions have been raised in some static. Only two statement is right. The first is incorrect because home guard are raised under the home guard act and rule of the state union territory. And second, third is right. Recently in news, current difficult question tha. 92 है पॉलिटी का. विद रेफरेंस टू द इंडियन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. अनऑथराइज वियरिंग ऑफ द पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, एंड नोविंगली मिसलीडिंग अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर एंड मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर, द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019. ओनली टू स्टेटमेंट इज राइट. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज मैच इज सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल सेक्शन ऑफ 1923 प्रोवाइड द इन्वेजन ऑफ प्रोटेक्शन इंटरफेयरिंग विद ऑफिसर ऑफ द पुलिस एंड मेम्बर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन 2000. ये दूसरा गलत है, बाकी सही है. ये डिफिकल्ट था. 93 है इंटरनेशनल रिलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ एंड रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज़, नॉर्थ कीवू एंड इटूरी बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान एंड नागोर्नो काराबाख एंड इंसर्जेंसी ऑफ मोजाम्बिक. एंड तीसरा है खेरसान एंड जुओ प्रिजांजी, तो डिस्प्यूट बिटवीन इसराइल एंड लेबनान. कोई भी सही नहीं है बिकॉज नॉर्थ कीवो एंड लाथ लिट्यूर कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड कांग्रो एंड नगोर्नो इज द काराबाकी वेयर बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान. खर्जोन जो है ज़ेपोरिज़्हिया अटैक साइट्स इन यूक्रेन. भाई ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, मैंने कहाँ से मॉडरेट दिया. अगला है इंटरनेशनल रिलेशन का 94, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन, इसराइल हैज स्टेबलाइज्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट. एंड सेकेंड, द अरब पीस इनिशिएटिव इमीडिएट द सऊदी अरब साइंड इन इसराइल एंड द अरब लीग.
इसमें जो होगा सेकंड रॉन्ग होगा, फर्स्ट सही होगा, बिकॉज यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। और करंट अफेयर का है मॉडरेट है, और 95 है अवार्ड का है, स्पोर्ट एंड अवार्ड का। आजकल स्पोर्ट्स भी क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद फार मोस्ट खेल रत्न अवार्ड स्पेक्टाकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाई द स्पोर्ट्स मैन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4। अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाई द स्पोर्ट्स पर्सन। एंड द्रोणाचार्य टू ऑनर द इमिटेंट एंड कोच हु हैज सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन फॉर टीम। एंड राष्ट्रीय खेल टू रिकोगनाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाई द स्पोर्ट पर्सन इवन दी आफ्टर दियर रिटायरमेंट। ओनली टू ऑप्शन इज राइट, इसमें जो दो ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद इज मोस्ट ऑफ स्पेक्चुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था स्पोर्ट पर्सन पीरियड ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो ये जो है सही है। और दूसरा है इटी ऑप्शन नोन इज अर्जुना अवार्ड आउटस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट गेम्स एंड द सेकेंड हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑफ इंडिया फॉर लाइफ टाइम। तो नहीं है, इट इज़ ऑप्शन नोन इज अर्जुना अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स एंड सेकेंड हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर एंड द्रोणाचार्य ऑनर्ड कमिटमेंट क्या इमिनेंट कोच हु है सक्सेसफुली ट्रेन द स्पोर्ट पर्सन। एंड राष्ट्रीय खेल द अवार्ड रिकोगनाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड टू प्रमोट द डेवलपमेंट स्पोर्ट एंड कंट्री ओवर द प्रीवियस 3 ईयर। तो ये है जो ये है तीसरा एक गलत है इसमें, ये चौथा गलत है और पहला गलत है। और नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा और चौथा गलत है। तो मोर इन्फॉर्मेशन अवार्ड एयर न्यूज इन द नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 96 से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू 44th चेस ओलंपिक 2022। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। द ऑफिशियल mascot was named Thambi. The trophy of this winning team in the open section is Vera Menchik Cup. The trophy of the winning team in the women's section Hamilton Russell's Cup. How many of the statements are given are correct? Only 2 is correct. For chess Olympics is first time held in India. Mascot Thambi. ये है सही है, mascot Thambi ऑफिशियल मॉस्को थाम्बी। एंड हैमिल्टन रसल कप फर्स्ट प्लेस इन द ओपन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड वेरा मेंचिक कप फर्स्ट प्लेस इन द वुमेन्स सेक्शन। द ट्रॉफी ऑफ विनिंग टीम इन द वुमेन्स सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। तो वेन मेंचिक कप तो ये तीसरा गलत है, और हैमिल्टन रसल कप फर्स्ट प्लेस इन ओपन सेक्शन ये भी गलत है। फर्स्ट एक मिनट, मेंचिक कप ये दूसरा भी मेंचिक कप, ये दोनों अपोजिट दिया है साथ। तीसरा चौथा गलत है, आपका पहला सही है और दूसरा सही है। नेम थम्बी ठीक है। फर्स्ट टाइम चेस ओलंपिक हेल्ड इन इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज न्यूज़ डिफिकल्ट था। 97 इंटरनेशनल रिलेशन का एरिया कॉन्फ्लिक्ट मेंशनड इन न्यूज़। कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड डॉनबास सीरिया एंड कचीन इथियोपिया एंड टिग्री नॉर्थ हेमेन। हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन डी होगा नन। तो डॉनबास जो है यूक्रेन में है, कचीन जो है म्यांमार में है, टिग्री जो है इथियोपिया में है। मोर इन्फॉर्मेशन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम EYQ 2022 एटलस है, करंट अफेयर है। 98 क्वेश्चन इंटरनेशनल का, रिसेंट ईयर चार्ड गिनिया एंड माली एंड सूडान कार्ट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द कॉमन टू आल देम। तो दिस इज सक्सेसफुल कॉप्स, दैट्स व्हाई द रिसेंट पार्ट्स ऑफ द कॉप्स इन चार्ड गिनिया माली एंड सूडान हैज स्पार्क्ड इन फ्लरी एंड मीडिया अटेंशन एंड कंसर्न इंस्पायर्ड फ्रॉम PYQ 2022 कॉन्फ्लिक्ट जोन। एंड करंट अफेयर मॉडरेट क्वेश्चन था। 99 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का, कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री। पहला फर्टिलाइजर प्लांट्स एंड दूसरा आयल रैन रिफाइनरीज एंड तीसरा है स्टील प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसकार्बोनाइजिंग। हाउ मेनी ऑफ द एबव इंडस्ट्रीज। ऑल स्टेटमेंट इज राइट, मतलब तीनों के तीनों सही। ग्रीन हाइड्रोजन आर लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कैन एड टू डीकार्बोनाइज हार्ड टू अबॉर्ट सेक्टर सच एज द रिफाइनिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील ETC।
एंड इजी है। और 100 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। द G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली स्टेबलाइज एज द प्लेटफॉर्म ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो बहुत ही स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। G20 फाउंडेड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फोरम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नर डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। इंडिया G20 प्रायोरिटीज ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ एंड एक्सेलरेटिंग इंक्लूसिव एंड रिजिलिएंट ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन द प्रोग्रेस ऑफ SDGs एंड द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन एंड 21st सेंचुरी एंड ह्यूमन राइट डेवलपमेंट। G20 समिट हेल्ड इन इंडिया फर्स्ट टाइम एंड G20 वेबसाइट करंट अफेयर मॉडरेट न्यूज। तो ख़त्म होता है आपका पूरा PYQ। कैसा लगा बताइएगा जरूर। जो चीज़ ना समझ में आए उनको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। चांस पर मेरे चैनल लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।